क्या आपने कभी किसी को देखा है बीच रोड पे खड़े होकर फोटोग्राफी करते हुए, या आपके आपका कोई दोस्त जो दिन भर एक डीएसएलआर लेकर अलग अलग पार्क्स में जाकर अपने दोस्तों को ले जाकर वहां पर फोटोग्राफी कर रहा, या आप कभी किसी शादी या पार्टी में गए हो और वहां पर एक बहुत ही अच्छा सेटअप देखा हो आपने, लाइटिंग कैमरा और तीन चार लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं, या एक ड्रोन है ऊपर में जो चल रहा है, और आपने ये सोचा कि क्या यार ये जो फोटोग्राफी है इसमें कैसा करियर हो सकता है। अगर आपने नहीं सोचा है तो सोचिए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अब करियर इन फोटोग्राफी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल फॉर इनोवेटिंग अपॉर्चुनिटीज। तो फोटोग्राफी क्या होती है, कितने तरीके की फोटोग्राफी होती है, साथ ही साथ में आप कैसा करियर बना सकते हैं, कितने पैसे कमा सकते हैं और आपको क्या करना पड़ेगा उन पैसों को कमाने के लिए, आपके अंदर क्या स्किल सेट्स होने चाहिए अगर आपको एक फोटोग्राफर बनना है, आज की इस वीडियो में हम यही सारी बातें करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फोटोग्राफी बहुत ही बड़ा पेज है, बहुत ही वास्ट एरिया है, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं फोटोग्राफी के अंदर, बहुत सारे फील्ड्स हैं जिसमें आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। आई रिकमेंड कि आप अपना जेनरे चुने। आज हम उन सारे जेनरेस के बारे में बात करेंगे जो अवेलेबल है, मोस्टली विल ट्राई टू कवर इट अप। शुरुआत करते हैं उन बेसिक फोटोग्राफर्स से जो आपने मार्केट में देखे हैं, जो आपके आसपास हैं, जो स्टूडियोज खोल के बैठे हैं, वो सारे फोटोग्राफर्स, उन्हें हम कहते हैं स्टूडियो फोटोग्राफी। स्टूडियो फोटोग्राफी में बेसिकली बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जो डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होती हैं, जो नॉर्मली हम जनरली देखते हैं, यहाँ पर अपने आसपास देखते हैं, इवेंट्स में देखते हैं, बर्थडेज में, शादियों में, ये सारी जगह में हम जो फोटोग्राफी देखते हैं वो स्टूडियो फोटोग्राफी होती है। स्टूडियो फोटोग्राफी से एक स्टेप ऊपर आता है वेडिंग फोटोग्राफी। तो दोस्तों, वेडिंग फोटोग्राफी अपने आप में एक स्किल है और इस स्किल को एक्वायर करने के लिए आपको वेडिंग फोटोग्राफी सीखनी होती है। बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशंस, कलर करेक्शंस, क्या एक्सपोजर यूज करना है, कितना फोकल यूज करना है, कितना आईएसओ यूज करना है, और बहुत सारी टेक्निकलिटीज इसके अंदर आ जाती हैं जो आपको सीखनी होती हैं। और एक बार अगर आप सीख गए तो बहुत प्रोजेक्ट्स होते हैं जनरली। इसमें आप एज अ फ्रीलांसर या फिर एज अ जॉब दोनों कर सकते हैं। इसके बाद जितनी भी जर्नलिज्म या जितने भी न्यूज़पेपर या मैगजीन्स आप देखते हैं उसमें जितनी भी फोटोज होती हैं वो सारी कॉपीराइटेड फोटोज होती हैं। जितने भी न्यूज़ होते हैं उसको कैप्चर करने के लिए वहां पर एक फोटोग्राफर्स की जरूरत पड़ती है, जिसे हम फोटो जर्नलिस्ट भी बोलते हैं। इसके साथ ही साथ कई अच्छे फैशन फोटोग्राफर्स होते हैं, फूड फोटोग्राफी होती है, जितने भी आप ई कॉमर्स देखते हैं या फिर आप कहीं पर भी एक फूड की फोटो देख रहे हैं, चाहे वो होर्डिंग्स हो, चाहे वो KFC, डोमिनोज पिज्जा, ऐसी जगह पर, या एक छोटे छोटे पैकेट्स में भी जो फोटोज होती हैं, फूड की फोटोज होती हैं, मैक्रो लेवल पे जो फोटो खींची जाती हैं, वो सारे फूड फोटोग्राफर्स होते हैं। साथ ही साथ में हर इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड फोटोग्राफर्स होते हैं जिन्हें हम इंडस्ट्रियल फोटोग्राफर्स बोलते हैं। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स होते हैं जो वाइल्ड लाइफ की फोटोग्राफी करते हैं, जिन्हें नेचर बहुत पसंद है, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स बहुत पसंद है, और उन्हें कैप्चर करना, उनके मोमेंट्स को कैप्चर करना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद अगर आपने ड्रोन्स देखा हो, बेसिकली हम शादियों में देखते हैं, तो उन ड्रोन्स से खींची हुई फोटोग्राफ्स को हम एरियल फोटोग्राफी बोलते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स की फोटोज खींचने के लिए, बहुत ही माइक्रो लेवल की फोटोज खींचने के लिए, चाहे वो लीव्स, आपके जो पत्ते होते हैं उसके बेसिक माइक्रॉन्स की फोटो, छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं उनकी फोटोज खींचने के लिए जो साइंटिफिक फोटोग्राफर्स होते हैं। साथ ही साथ में कई सारे आपने व्लॉगर्स देखे होंगे जो ट्रैवल करते हैं, जिन्हें ट्रैवल फोटोग्राफर्स या नेचर फोटोग्राफर्स भी कहा जाता है, जिनको नेचर से बहुत प्यार होता है, वो नेचर या ट्रैवल फोटोग्राफर होते हैं। और इसके बाद एक बहुत बड़ा बिजनेस जो पिछले कुछ सालों में निकल के आया है एज अ फोटोग्राफर, वो है स्टॉक फोटोग्राफी। तो दोस्तों, स्टॉक फोटोग्राफी क्या होती है? अगर मान लीजिए मुझे आज की डेट में अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए कुछ इंडियन फेसेस या इंडियन मॉडल्स के फोटोज की जरूरत हो, तो
मुझे क्या करना होगा, या तो मैं एक फोटोग्राफर हायर करूं, कुछ मॉडल्स को हायर करूं, उन्हें अपने तरीके से तैयार करूं, उनकी फोटोग्राफी कराऊं, उनका पोर्टफोलियो बनवाऊं और उसमें से कुछ फोटोज मैं अपने प्रोजेक्ट के लिए सेलेक्ट करूं, या तो फिर ऑलरेडी कुछ लोग हैं जिन्होंने स्टॉक फोटोग्राफी के नाम पर ये सब करके रखा हुआ है, हमें सिर्फ एक बेसिक सब्सक्रिप्शन अमाउंट देकर उन फोटोज को हम ले सकते हैं और यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल संदीप माहेश्वरी के जो वेबसाइट है इमेजेस बाजार या फिर शटरस्टॉक, ये सारे स्टॉक फोटोग्राफर्स हैं, ये अपने फोटोग्राफी के स्टॉक्स बनाते हैं और उस स्टॉक्स को मार्केट में सेल करते हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल है। दोस्तों इन जितने भी फोटोग्राफर्स की हमने बात की, जितने भी फोटोग्राफी की हमने बात की, ये सारे के सारे बहुत अच्छे ऑप्शन हैं एज अ फोटोग्राफर, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। As a start, obviously, इस skill based career में आपकी skills हमेशा और बहुत ज़्यादा importance रखती है, irrespective of your graduation और your education. तो basic अगर qualification की बात करें तो आपको area की समझ आनी चाहिए, आपको photography की समझ आनी चाहिए, आपको basic जो technicalities होती हैं, ISO है, aperture है, there are a lot of technicalities, उसके बारे में आपको छोटी से लेकर बड़ी तक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कब किस जगह पर किस चीज को किस सेटिंग को यूज करके आप एक अच्छी फोटो निकाल सकते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। अगर आप इसमें एजुकेशन करना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको जरूरी नहीं है कि आप किसी स्पेसिफिक बैकग्राउंड से आए, आप चाहे मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट हो, आप चाहे बायोलॉजी वाले हो, कॉमर्स वाले हो या आर्ट्स वाले हो, आप आगे चलकर दो तरीके से फोटोग्राफी में अपना करियर बना सकते हैं। पहला, आप बेसिक ट्रेनिंग लेकर किसी फोटोग्राफर के अंदर या कोई जिसको फोटोग्राफी आती है उसके अंदर बेसिक ट्रेनिंग लेकर आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं, या तो अगर आपको और एडवांस में सीखना है, हर चीज के बारे में बारीकी से सीखना है, तो आप बैचलर्स इन फोटोग्राफी भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बेसिक 3 साल का कोर्स है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है इंडिया में जहां पर ये कोर्सेस होते हैं।